2020 बॉलीवुड के लिए काफ़ी मुश्किल भरा साबित होता जा रहा है। इंडस्ट्री ने कई नामी दिग्गजों जैसे ऋषि कपूर, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, सरोज खान को खो दिया। अब इस बीच खबर आई है कि संजय दत्त भी कैंसर से ग्रस्त हैं। संजय दत्त को उनके लंग्स में कैंसर है और वो उसके तीसरी स्टेज पर है। खबरों की माने तो संजय दत्त जल्द ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जा सकते हैं। संजय दत्त के कैंसर पीड़ित होने की खबर सामने आते ही उनके लिए लगातार दुआओं और जल्दी ठीक होने की फैंस कामना कर रहे हैं। फैंस ही नहीं, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी उनकी जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। अब हम आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें ये मेंशन है कि संजय दत्त को कब पता चला कि वो कैंसर से ग्रसित है। शनिवार 8 अगस्त को संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ हुई और इसलिए उन्होंने मेडिकल एडवाइस ली। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वो कोरोना वायरस से ग्रस्त तो नहीं, तो उन्होंने अपने घर पर रखे ऑक्सीमीटर पर पाया कि उनका ऑक्सीजन का स्तर गिर गया था। तब उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। फिर संजय दत्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए जहां पर उनका COVID-19 का टेस्ट हुआ। लेकिन संजय दत्त ने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्म किया कि वो पहले ही कोविड का टेस्ट करा चुके हैं और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया था। इसके साथ साथ वो इस बात से भी परेशान थे कि टेस्ट तो नेगेटिव आ चुका था मगर वो कहीं COVID-19 से संक्रमित तो नहीं है। ई टाइम्स की रिपोर्ट को हम कोट करते हैं, उसमें साफ साफ बोला है कि संजय दत्त अपनी बहन प्रिया दत्त और एक दोस्त के साथ मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहुंचे थे जहां उन्हें पता चला कि उनके दाहिने फेफड़े से हवा का प्रवेश नहीं हो रहा था। सिटी स्कैन में आगे पता चला कि उनके दाहिने फेफड़े में पानी यानी कि फ्लूइड का जमाव था। संजय दत्त को हॉस्पिटल में ये बताया गया कि इट कुड बी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस और एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज वेयर इन संजय माइट हैव हर्ट हिमसेल्फ। द फ्लूइड वाज रिमूव्ड, फ्लूइड को रिमूव किया गया और इसका वॉल्यूम, आप थोड़े शॉक हो जाएंगे, द वॉल्यूम वाज एज हाई एज 1.5 लीटर्स। उसके बाद संजय दत्त को 2 दिन अस्पताल में रुकने की सलाह दी गई और संजय दत्त 2 दिन अस्पताल में रुके और उसके बाद उनको जाके डिस्चार्ज मिला। संजय दत्त को ये बोला गया कि उन्हें एक PET स्कैन से गुजरना होगा और जब वो PET स्कैन हुआ कंप्लीट यानी कि 10 अगस्त को, तब पता चला कि जो वो फ्लूइड था उस फ्लूइड यानी कि द्रव में कैंसर की कोशिकाएं मौजूद थी। जी हाँ, उस फ्लूइड में कैंसर सेल्स था। जब PET स्कैन कंफर्म्ड कि संजय दत्त को कैंसर है, उसके फौरन बाद ही अ काउंसलिंग सेशन वाज इमीडिएटली हेल्ड। संजय दत्त के लिए काउंसलिंग सेशन रखा गया और संजय दत्त को उनकी बीमारी के बारे में बताया गया। संजय दत्त को एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजा गया जिन्होंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी कि उन्हें क्या करना चाहिए। संजय दत्त को ये ऑप्शन दिया गया था कि वो ट्रीटमेंट अब्रॉड ले सकते हैं या इंडिया में ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ई टाइम्स की एक रिपोर्ट में बोली गई।